हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर के रसोई में। आज ये वीडियो मेरा फ्राइडे का है। फ्राइडे शाम का पूजा करने के बाद हम किचन में चले गए हैं और किचन में हमने बनाया है बहुत ही सिंपल, बहुत ही कम सामान में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा डिश जो हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे बनाया था और क्या बनाया था। तो मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, इसे लगातार देखते रहिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ हमने तेल चढ़ा दिया है और उसके बाद हमने तेल में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। जीरा के चटकने के बाद हमने इसमें मिला दिया है अच्छी तरह से बारीक कटा हुआ दो प्याज। प्याज को अच्छे से हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक मिर्ची का पेस्ट। उसे भूनने के बाद हम मसाला तैयार करेंगे एक कटोरी में, जिसमें हमने ले लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन तीनों को पाउडर तेल में लिए थे तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे एक अच्छा सा घोल बना के तेल में डाल देंगे, इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो बीच में आप सोचेंगे कि ये हम ग्रीन कलर का क्या दिखाएं, तो ये है नीम का फूल। इसका क्या उपयोग है? कुछ नहीं, इसको हम धूप में रख दिए हैं पानी में। और यहाँ साथ साथ मेरा मसाला भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, भुना गया है। तो आप देख सकते हैं कि तेल बहुत अच्छे से छोड़ दिया है। इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और मसाला है ये किचन किंग मसाला बोल सकते हैं आप। इसमें कोई भी गरम मसाला ले सकते हैं। मसाले को भी हम थोड़ा सा पानी के साथ घोल दिए हैं और उसको हम डाल देंगे ताकि उसी पानी के सहारे से, नमक और पानी के सहारे से मेरा टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके गल जाएगा और मसाला भी भून के तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही, ये राजमा है जो रात को हम भिगो दिए थे और उसके बाद सुबह हम इसको बॉईल करके अच्छे से रख दिए थे, फिर शाम को हम इसे पकाए हैं। तो दो सीटी के बाद ये थोड़ा सा रह गया था तो हमने इसे एक और सीटी लगा दिया और ये बहुत अच्छे से गल गया है। इसे गलाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर ये थोड़ा भी कड़ा रह गया ना तो बच्चे ग्रेवी तो फिनिश कर देते हैं लेकिन राजमा साइड लगा देते हैं, उन्हें बिल्कुल भी थोड़ा भी कड़ा राजमा पसंद नहीं आता। इसलिए हमने इसे बहुत अच्छे से गला लिया है और उसके बाद हम इसे पूरी तरह से मसाला में डाल देंगे। और इसके बाद क्या होगा, अच्छे से हम उसको मसाला के साथ भून लेंगे। आप चाहे तो सूखा भी निकाल सकते हैं अगर आपको सूखा पसंद हो तो इस तरह से, लेकिन हमने थोड़ा सा ग्रेवी वाला पसंद किया है तो चावल के साथ थोड़ा ग्रेवी चाहता है। तो जिस बर्तन में हमने राजमा निकाल कर रखा था उसी में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कलर भी बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। मसाला राजमा भून के बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम डाल दिए हैं पानी और पानी पे बॉईल होने के बाद इसमें हरा धनिया डाल के हम इसको निकाल लेंगे। तो जब तक हमारा ये तैयार होता है तो उसको हम ढक दिए हैं और बीच में ही थोड़ा सा नाश्ता का तैयारी हो गया। जी हाँ, पास्ता, ये बहुत ही टेस्टी सा पास्ता चारू बनाई है, ये उसी का काम है। तो वो फ्राइडे का था हमारा, ये सैटरडे का है। सैटरडे सुबह का मॉर्निंग में इडली बनाने का मूड हो गया था तो ये सूजी वाला इडली हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा प्लेन इडली और थोड़ा ग्रीन वाला प्रिंटेड इडली से हम कह सकते हैं। तो चारू का इच्छा था, उसे पालक बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो पालक डाल के इडली बनाना चाहती थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसका जो पेस्ट है वो अलग कर दिए हैं। सूजी ले लिए हैं, दही ले लिए हैं और नमक। उसके बाद हम इसमें डाल दिए हैं बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ पालक का पत्ती, उसको हम मिक्स डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से मिला लिए हैं। उसके बाद इसमें दो चुटकी भर, हमें समझिए चारू का चुटकी बहुत ज़्यादा छोटा था तो इसलिए दो चुटकी इसमें डालना पड़ा है मीठा सोडा। आप चाहे तो इनो सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमने सोडा ही डाल दिया था क्योंकि मेरे पास, समझ गए होंगे आप, इनो नहीं था इसलिए इनो नहीं पड़ा था। और यहाँ चारू बहुत ही ज़्यादा से अच्छे से इसे मिक्स कर रही है ताकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल जाए और बहुत बढ़िया से इनो के साथ सूजी मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर उसे हम भिगो के रख दिए थे। और ये है मेरा मिनी इडली स्टैंड, तो हमने अभी न्यू स्टैंड लिया है इडली के लिए। तो उसमें हमें मिला है इडली का एक दो बड़ा ट्रे, एक छोटा वाला ट्रे और ढोकला का ट्रे, तो साथ में सब कुछ जो भी आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी इडली बनता है तो चारू अपना इडली ये छोटे वाले ही मोल्ड में बनाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी इडली देख के। तो ये कड़ी पत्ता जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको साउथ इंडियन थाली बनाने में या कोई भी साउथ इंडियन डिश में डालने के लिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पूरी तरह से मोल्ड भर गया है और गैस पर स्टैंड रखा हुआ है,
थोड़ा सा सूजी बच गया था पालक वाला, तो हमने बड़े वाले स्टैंड में भी इसे 2 या 3 कप में इसे भर दिया है ताकि साथ में ही सारा बन के तैयार हो जाए। कुछ प्लेन इडलियाँ बन गई हैं और कुछ जैसा हमने पहले बताया आपको प्रिंटेड यानी कि ग्रीन और वाइट वाला। तो 10 से 15 मिनट बाद इसे हमने उतार लिया है, तो देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से फूल के ये ग्रीन वाला इडली बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में। जितना ये सुंदर देखने में है खाने में ही उतना ही अलग टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट है। और बीच में जो सबसे बेस्ट आपको लगेगा वो पार्ट्स है, जो हरी मिर्च हमने डाला है काट के वो इस इडली के बीच में जो निकल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आपके दांत के नीचे जब निकलता है ना तो पूरा मुँह एकदम स्पाइसी हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है। छोटा वाला भी देखिए, इसको किसी भी चम्मच या आपको काटे या किसी चक्कू से नहीं निकालना है, बहुत आसानी से ये निकल जा रहा है। देखिए अब उंगली से ही हल्का सा दबाव करने देने पर ये फटाक से छोड़ दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ से ही हम सारे इडली को निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इस इडली को साउथ इंडियन टच में तो खा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे चाइनीज़ भी बना सकते हैं। चाइनीज़ कैसे बनाएंगे ये हम आपको बाद में दिखाएंगे। और चारू को देख के आपको लगता होगा कि चारू बहुत ही ज़्यादा खुश है अपने हाथ से एक्सपेरिमेंट किया हुआ इडली बना के, और उतनी ही ज़्यादा खुश है उसे खा के। चारू यहाँ मेरा बिस्किट था, हम काम करते करते थक गए थे, एक बिस्किट सोचे खा के पानी पी लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा वीडियो उसका बनाने लगे तो वो गिर गया। कोई बात नहीं, नाश्ता करने के बाद हमने पूरा लंच तैयार किया, जैसे टमाटर का सूप और हमने किया चना मसाला। सैटरडे अक्सर हम लोग खिचड़ी और चना मसाला खाते हैं, और आलू का चोखा। तो ये सारा वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है जो आपको मिल जाएगा। और भी हम खिचड़ी का और चोखे का भी वीडियो हम जल्दी ही इसमें डालने वाले हैं, चना मसाला का वीडियो भी है। साथ में थोड़ा भिंडी रह गया था तो हमने भिंडी भी सर्व कर दिया है, दाल का पापड़, आलू का पापड़, कच्चे पपीते का सैलेड खीरे के साथ और प्याज के साथ। तो ये मेरा सिंपल सा सैटरडे थाली बन के तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी। नाम तो होता है कि सादा खाना खाएं सिर्फ खिचड़ी, लेकिन उसके जो यार हैं बहुत सारे वो भी साथ में है। यहाँ साउथ इंडियन थाली भी बन के तैयार है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर